नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। मढ़ी मनगवा से अपहरित बच्चे को पुलिस ने मझौली से बरामद कर लिया। जी हां, बच्चे के चाचा ने ही बच्चे को अगवा किया था उसके दोस्त के साथ। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से बच्चे को सुरक्षित रूप से बरामद कर लिया है। मनगवा का अमला बच्चे को लेने मझौली की ओर रवाना हो गया है। आइए पहले आपको सुनाते हैं अपहरणकर्ता ने बच्चे के पिता को क्या संदेश देखा दिया था, आप भी सुनिए। 2 महीने के वादे में इन्होंने मुझसे पैसा लिया था। 2 साल हो गए, आज तक पैसा नहीं दे रहे हैं। घर मांगने आता हूं तो बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं 376 केस लगवा दूंगा, मेरी बीवी चप्पल से मारेगी, पैसा नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, मेरा पैसा सही सलामत वापस कर दें, ट्रांसफ़र कर दें मेरे अकाउंट में, मैं बच्चे को सही सलामत घर छोड़ दूंगा। मेरी दुश्मनी कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा पैसा दे दें, मैं उन्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। तो सुना आपने, अपहरणकर्ता किस तरीके से बच्चे को वापसी करने के एवज में पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि उसका कहना ये पैसे उसके खुद के थे, जो वो पैसे अपने मांग रहा है। अब हम आपको सुनाते हैं इस बारे में पुलिस ने हमको क्या कुछ बताया। आज थाना मनगवा में दोपहर में सूचना प्राप्त हुई भूपेंद्र सिंह के द्वारा कि उनके नाबालिग बच्चे का और उनके बच्चे के एक दोस्त का उनके ही एक रिश्तेदार द्वारा, जो उनका चचेरा भाई लगता है, अपहरण कर लिया गया है, उसको ले गए हैं। बातचीत करने में पता लगा कि वो 2-3 दिन पहले यहाँ आया था। देवेंद्र सिंह जो उनके सगे भाई, उनके यहाँ रह रहा था, वहीं खाना पीना खा रहा था। उसके बाद पैसे के लेन देन का कोई उनका पुराना विवाद था। उस विवाद के चलते वो दोनों बच्चों को मोटरसाइकिल में बिठा कर ज़बरदस्ती वहाँ ले गया है। हमने तकनीकी मदद ली, पूछताछ की, बातचीत करने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। लगातार वो लोग भी बात कर रहे थे, लेकिन उसका कहना था कि पहले मेरे पैसे दो, इसके बाद हम बच्चों को वापस करेंगे। आई साहब हमारे जो थे, उनके द्वारा दूसरे जिले के अधिकारियों को भी खबर की गई, मेरे द्वारा भी लगातार पुलिस अधीक्षक सीधी और शहडोल से संपर्क किया गया, थाना प्रभारी मझौली और थाना प्रभारी व्यवहारी और SDP व्यवहारी से संपर्क किया गया, और उसके बाद थाना प्रभारी मझौली द्वारा आरोपी को बच्चों के साथ पकड़ लिया गया है। TI मनगवा मौके पर पहुँच रहे हैं और साथ में उनके परिजन भी हैं। जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं था सुबह से, उनको पुलिस के द्वारा खिलाया जा रहा है। TI मझौली ने इसमें बहुत अच्छा कार्य किया है और बच्चों को, परिजनों को सुपुर्द करके आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।